द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस टाइम हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम कोई नहीं मनाता था, उस टाइम हमने स्टार्ट किया था, हमारे परदादा जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन अब आज की बात करें तो आज ये ट्रेडिंग बिजनेस बन गया, हाँसी अब बन गया पेड़े का। यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, लोग घरों में बना रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा दुकानें आज के दिन चल रही हैं जी। सबसे पहले ये बिजनेस मेरे परदादा जी श्री धुनीचंद जी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद इस काम को आगे श्री छबिलदास जी ने बढ़ाया जो मेरे दादाजी हैं, अब इसको मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी लाला ईश्वरदत्त जी, लाला बलवंत राय जी वंदर हलवाई गली के अंदर जो हमारी मेन फेमस दुकान है वहाँ चला रहे हैं, आज भी वहीं चल रही है ये दुकान। इसकी दूसरी दुकान हमने बस स्टैंड के सामने जहाँ आप खड़े हैं यहाँ स्टार्ट कर रखी है। यहाँ हम ईश्वरदत्त जी के बेटे दो सुनील दत्त जी और दीपक मित्तल, दो बलवंत जी के बेटे मोहित मित्तल रोहित मित्तल, हम चारों भाई मिलके इसको चला रहे हैं। अब इसमें हमारी फिफ्थ जनरेशन लग गई है, ये सुनील दत्त जी के बेटे हैं साथ में, ये भी अब दुकान पे अपनी सेवा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। आज मैं मौजूद हूं हिसार जिले के हांसी में और हांसी का जब नाम आता है तो हांसी के पेड़ों का नाम भी साथ आता है। जी हां, मैं मौजूद हूं, लाला दुनीचंद छबीलदास है उनकी उस पुरानी दुकान में, और ये कहूंगा कि ये हलवाइयों वाली गली है। वैसे तो हांसी में ये कहूंगा कि करीब 100 से अधिक दुकानों पे आपको पेड़े मिल जाएंगे जो हांसी के मशहूर पेड़े हैं, लेकिन ये कहूंगा कि जो जन्मदाता हैं इस पेड़ों के उनकी ये दुकान है जो लाला दुनीचंद छबीलदास की है, और उनकी खास बात यह है कि 100 से अधिक सालों पुराना उनका ये बिजनेस है, जिसमें अब मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो उनकी 5वीं पीढ़ी है इस पेड़ों के साथ जुड़ी हुई है। किसी जमाने में ये 30 या 35 पैसे जो शेर है जो बुजुर्ग बताते हैं कि वो पेड़ा मिल जाता था, लेकिन आज इन पेड़ों का रेट है वो 380 रुपये हो चुका है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि हांसी के पेड़े क्यों मशहूर हैं, उन लोगों से भी मिलवाएंगे कि इस पेड़े में क्या खास बात है। इस समय मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, ये हलवाई वाली गली है जिसमें ये कह सकता हूँ कि दुकानों के अलावा घरों में भी हांसी के जो मशहूर पेड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं। हांसी के मशहूर पेड़ों की कहानी मेरे साथ कुछ मिनटों में आप देखेंगे। बलवंत मित्तल दुनीचंद छबीलदास से मैं बोल रहा हूँ। हमारे दादाजी ये काम करते थे, 100 साल से ज़्यादा काम पुराना हो गया हमारा, 5वीं पीढ़ी भी हम इसी काम में कर रहे हैं। विदेशों में भी पेड़ा हांसी से बहुत जाता है, हांसी के अंदर 50-40 दुकानें और 50-40 आदमी घरों में काम करते हैं, पेड़ा बना के हांसी से बाहर सप्लाई करते हैं। यहाँ का हांसी का पेड़ा दानेदार बनता है और पेड़े की क्वालिटी बढ़िया दूध से बनती है, बढ़िया दूध से दानेदार बनता है और कहीं दानेदार पेड़ा नहीं बनता, इस वजह से हांसी का पेड़ा मशहूर। हमारे दादाजी दुनीचंद जी थे, उन्होंने ही पेड़ों का काम हांसी से शुरू किया और उसके बाद उनके पास जो काम करने वाले रहे काम, उन्होंने दुकानें बना ली। अब ऐसे 50 परिवार काम कर रहे हैं पेड़ों का ही, और मशहूर नाम उन्होंने से ही चला हांसी का, और उनके बाद हमारे बाबूजी ने छबीलदास जी ने शुरू किया, उसके बाद हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये काम 5वीं पीढ़ी से लगातार चल। इनमें दानेदार पेड़ा होता है, बहुत मशहूर पेड़े होते हैं, इसको खाने के बाद सबका जी करता है कि दोबारा फिर ये चीज़ें हमें मिले। पहले तो 2-4 दुकानें हुआ करती बढ़िया, लेकिन अब तो सैकड़ों दुकानें बन गई है, सब नकली काम बन रहा है सब। हाँ, वो सप्लाई में देके आते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड वही है जो पहले था, वो वही अभी है। इसमें केवल दूध और चीनी दो चीज़ डलती है जी। जब हमारे बाबा जी बनाते थे उस टाइम में इसके अंदर दूध और बूरा का प्रयोग किया जाता था, आज जब वो बूरा पीसने वाले नहीं रहे तो वो चीनी का यूज़ होता है और इसमें कोई चीज़ नहीं डलती। उस टाइम हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम कोई नहीं बनाता था, उस टाइम हमने स्टार्ट किया था, हमारे परदादा जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन अब आज की बात करें तो आज ये ट्रेडिंग बिजनेस बन गया, हाँसी अब बन गया पेड़े का। यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, लोग घरों में बना रहे हैं, पाउडर यूज़ कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा दुकानें आज के दिन चल रही हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।